please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो शहर में यूट्यूब के हेडक्वार्टर पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में चार लोग घायल हो गए जबकि एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों से पूछताछ की। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर भारत बंद के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने पांच आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक घर में घुसकर आतंकियों ने एक लड़के को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मौन मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुर्रियत से जुड़े देवेंद्र सिंह बहल को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर राजौरी जेल भेज दिया गया। यूपी के गाजियाबाद में अचानक झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खुफिया विभाग ने दिल्ली और कोलकाता में आईएस के हमले की आशंका का अलर्ट जारी किया। दलित समुदाय के भारत बंद के दौरान हरियाणा के चरखी दादरी में हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 9 दलित नेताओं समेत 1000 लोगों पर केस दर्ज किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर तीन तलाक बिल का विरोध किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्रालय बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर पाबंदी के बजाय इसके रेगुलेशन के पक्ष में है। हालांकि अभी इस पर दूसरे विभागों से भी सलाह ली जा रही है। रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों से टाटा मोटर्स को फिर मजबूत बनाने की योजना पर काम करने की अपील की। हरियाणा के रेवाड़ी में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आज से 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने 217 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इनमें पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सुशील कुमार, गगन नारंग जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। देश को इनसे पदक की उम्मीदें हैं। कुछ ऐसे अनजान चेहरे भी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से मेडल लाने का भरोसा दिलाया है। इनमें इसी साल शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली मनु भाकर और माइकल फ्लिप को अपना आदर्श मानने वाले तैराक श्री हरि नटराज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय दर्शक कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी को दोपहर 3 बजे से देख सकेंगे। एसएससी पेपर लीक मामले में चार और आरोपी गिरफ्तार हो गए। एसएससी पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पत्रकार जे डे मर्डर केस में अदालत 2 मई को फैसला सुनाएगी। दिल्ली पुलिस ने अवैध संबंधों के शक में अपनी दोस्त की हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में भागलपुर हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत की जमानत याचिका भागलपुर कोर्ट ने खारिज कर दी। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की मांग को लेकर एआईएडीएमके के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के शेखपुरा में भारत बंद के दौरान व्यापारियों पर हुए हमले के विरोध में व्यापारियों ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग के बीच हाई कमिश्नर अजय बिसारिया और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान के बीच मुलाकात हुई। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के टॉप कॉलेजों और यूनिवर्सिटी समेत दूसरे शिक्षण संस्थानों की एक लिस्ट जारी की गई जिसमें आईआईएम अहमदाबाद को मैनेजमेंट कॉलेजों में पहला नंबर और इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया गया। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव को अगले हफ्ते पेश होने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों के बाद महेंद्र सिंह धोनी और पंकज आडवाणी समेत दूसरी हस्तियों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कंधे में चोट की वजह से आईपीएल के उद्घाटन समारोह में शिरकत न करने की खबरों के बाद रणवीर सिंह ने प्रशंसकों की चिंता के लिए धन्यवाद करते हुए जल्द वापसी की उम्मीद जताई। एससी/एसटी एक्ट और सोमवार को हुई हिंसा को लेकर सरकार की सफाई के बावजूद कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने इस मामले में आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता को भी दलित विरोधी करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने न्यूज 18 इंडिया पर कहा कि अगर 20 मार्च के पहले की स्थिति कायम होती है तो देश के लिए बेहतर है। कोर्ट के निर्णय से दलित समाज को न्याय मिलने में दिक्कत आएगी। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया कि कानून से खिलवाड़ करने को किसी को सहमति नहीं दी जाएगी, किसी को छूट नहीं दी जाएगी। दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है।
एससीएसटी एक्ट को रद्द कर दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। देखो कानून वही है, एक्ट वही है, एक को संवैधानिक करार दिया है, उसको अनवैलिड नहीं दिया है। हम कानून के साथ है, पर कुछ बिंदुओं पर जो व्याख्या करके निर्णय आया है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शीघ्र और सुलभ और सही निर्णय देने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला है, इसलिए भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई है और रिव्यू पिटीशन को स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र में कानून की फंदियां उड़ाकर कोई ये सोचता है कि हम सरकार को धमकी देकर के जबरन अपना कार्य करवाएंगे, या नहीं हो सकता है। सरकारी संपत्तियों को जलाकर या व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आग लगाकर के सरकार की कार्रवाई कतई सरकार को मंजूर नहीं। तो दलित हिंसा पर राहुल का पीएम मोदी पर हमला, योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए कि कार्रवाई की जाएगी। दलितों की पिटाई पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? राहुल गांधी सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए।